Hello dear learners of English, it's me Vinay Shankar Soni and I welcome you to your YouTube English learning channel Soni's Tutorial Classes. Today our topic is close and shut. आज हम लोग समझेंगे close और shut के similarities और differences के बारे में. ये दोनों words students को काफ़ी confused करके रखते हैं. चलिए शुरू करते हैं. Close एक verb, एक adjective और एक noun है, जबकि shut सिर्फ एक verb है. एक interesting बात यह है कि जब क्लोज एक एडजेक्टिव होता है तो उसकी प्रोनंसिएशन थोड़ी बदल जाती है, उसे क्लोज पढ़ते हैं, क्लोज. जैसे अगर मुझे कहना हो वो मेरा करीबी दोस्त है, ही इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. ऑलराइट, अगर मैं कहूँ कि एसटीसी मेरे घर के पास है तो मैं इंग्लिश में कह सकता हूँ एसटीसी इज़ क्वाइट क्लोज टू माई हाउस. ऑलराइट, तो सी एल ओ एस ई क्लोज एडजेक्टिव के तौर पर क्लोज पढ़ा जाता है, ना कि क्लोज. ठीक है, तो आप अपनी प्रोनंसिएशन इंप्रूव करिए, एडजेक्टिव के तौर पे इसे क्लोज ना पढ़ें, क्लोज पढ़ें. ठीक, क्लोज और शट वर्ब के तौर पे दोनों अक्सर इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे के जगह पे यूज हो सकते हैं. एग्जांपल देखते हैं. प्लीज क्लोज द विंडो ऑन योर लेफ्ट, प्लीज शट द विंडो ऑन योर लेफ्ट. आप एक ही बात कह रहे हैं और दोनों ही वर्ड्स यहाँ सही हैं. अपने बाएं साइड जो खिड़की है उसे बंद कर दीजिए. मोस्ट शॉप्स इन आवर टाउन क्लोज और शट बाय 9 PM. ज़्यादातर दुकानें हमारे शहर की 9 बजे रात तक बंद हो जाती हैं. यहाँ आप क्लोज और शट दोनों में से कोई भी लिखते हैं आप सही हैं. मोस्ट शॉप्स इन आवर टाउन क्लोज और शट बाय 9 PM. अब बात करते हैं डिफरेंसेस की, कहाँ दोनों में से सिर्फ एक यूज़ कर सकते हैं दूसरा नहीं. तो वी यूज ओनली शट नॉट क्लोज when we talk about putting a person or a thing out of or in a place. जब किसी चीज़ को या इंसान को किसी जगह पे बंद करने की बात करते हैं या किसी जगह के बाहर बंद करने की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ शट का यूज़ कर सकते हैं, क्लोज का नहीं. एग्जाम्पल देखिए. Our mom used to shut us out of the house when we made a big mistake. जब हम कोई बड़ी गलती करते थे तो हमारी माँ हम लोगों को घर के बाहर बंद कर देती थी. ये पहले के समय में पनिशमेंट देने का एक तरीका होता था. आई डोंट नो वेदर यू गाइज गॉट पनिश दिस वे और नॉट, बट आवर मॉम यूज टू शट अस आउट ऑफ द हाउस व्हेन वी मेड अ बिग मिस्टेक. वो हम लोगों को बाहर खड़े करके दरवाजा लगा देती थी. आई शट द डॉक्यूमेंट्स इन अ ड्रॉअर इन माई डेस्क एंड लॉक्ड इट. आई शट द डॉक्यूमेंट्स इन अ ड्रॉअर इन माई डेस्क एंड लॉक्ड इट. मैंने डॉक्यूमेंट्स को अपने डेस्क के एक ड्रॉअर में डाल करके बंद कर दिया. तो आप देख सकते हैं कि इन एग्जांपल्स में, इन सिचुएशंस में क्लोज का यूज गलत होगा. यू कैन नॉट यूज क्लोज इन दीज एग्जांपल्स. ऑलराइट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स क्लोज के और शट के दोनों एडजेक्टिव के तौर पे यूज किए जा सकते हैं. क्लोज का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा? चूंकि क्लोज एक रेगुलर वर्ब है तो इसका पास्ट पार्टिसिपल क्लोज्ड होता, सी एल ओ एस ई डी. जबकि शट एक इरेगुलर वर्ब है और इसका पास्ट पार्टिसिपल शट ही होता है, SHUT. दोनों क्लोज्ड और शट एडजेक्टिव के तौर पे यूज किए जा सकते हैं. एग्जांपल देखिए. आवर इंस्टीट्यूट इज क्लोज्ड ऑन संडेज. आवर इंस्टीट्यूट इज शट ऑन संडेज. मतलब हमारा इंस्टीट्यूट संडे को बंद रहता है. मोस्ट ऑफिसेज एंड बिजनेसेस आर शट और क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ कोरोना. कोरोना के डर से ज्यादातर ऑफिसेज और बिजनेसेस बंद हैं. मोस्ट ऑफिसेज एंड बिजनेसेस आर शट और क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ कोरोना. यू कैन सी इन दीज टू एग्जांपल्स शट एंड क्लोज्ड हैव बीन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स. ऑब्जर्व करिए, आवर इंस्टीट्यूट इज क्लोज्ड, इज शट. तो यहां पर क्लोज्ड और शट वर्ब का काम नहीं कर रहे, ये एडजेक्टिव के जगह पे है. ठीक है, लेकिन शट इज नॉट यूज एट्रीब्यूटिवली. मतलब शट को एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं करते. एट्रीब्यूटिवली यूज करने का मतलब किसी नाउन के पहले जब एडजेक्टिव को लिखते हैं तो वो उसका एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है. एग्जाम्पल देखिए. आप कह सकते हैं ए क्लोज डोर, ए क्लोज विंडो, बट आप नहीं कह सकते ए शट डोर और ए शट विंडो. यू कैन से क्लोज आईज बट यू कैन नॉट से शट आईज. मतलब एडजेक्टिव के तौर पर इनको नाउन के पहले शट को नहीं लिखा जा सकता, जबकि आप क्लोज्ड को यूज कर सकते हैं. दैट्स अ बिग डिफरेंस, रिमेंबर दैट. वी प्रिफर क्लोज फॉर स्लो मूवमेंट्स एंड इन अ मोर फॉर्मल स्टाइल.
अगर आप स्लो मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं या थोड़ा फॉर्मल साउंड करना चाहते हैं तो आप क्लोज चुनेंगे. एग्जाम्पल देखिए, एज द मेडिसिन स्टार्टेड टू शो इट्स इफेक्ट द बेबी क्लोज हर आइज एंड स्लेप्ट. जैसे जैसे दवा ने अपना असर दिखाना शुरू किया, बच्चे ने अपनी आंखें बंद की और सो गया. तो आप गौर करें, एज द मेडिसिन स्टार्टेड टू शो इट्स इफेक्ट द बेबी क्लोज हर आइज एंड स्लेप्ट. तो यहाँ क्लोज का यूज किया हम लोगों ने, शट का नहीं, क्योंकि हम स्लो मूवमेंट्स में क्लोज को प्रिफर करते हैं. साथ ही साथ अगर हम थोड़ा फॉर्मल साउंड करना चाहते हैं तो हमें क्लोज चुनना चाहिए, शट नहीं. शट थोड़ा इनफॉर्मल साउंड करता है. वी वर इशूड अ शो कॉज नोटिस फॉर क्लोजिंग द ऑफिस बिफोर टाइम. हम लोगों को शो कॉज नोटिस दिया गया था क्योंकि हम लोगों ने ऑफिस टाइम से पहले बंद कर दिया. वी वर इशूड अ शो कॉज नोटिस फॉर क्लोजिंग द ऑफिस बिफोर टाइम. फॉर शटिंग द ऑफिस डजंट साउंड गुड बिकॉज ये थोड़ा फॉर्मल है और फॉर्मल में आप क्लोज पसंद करेंगे शट से ज़्यादा. शट इनफॉर्मल साउंड करता है. अगर आप फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच डिफरेंस समझते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो किसी किसी आने वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे. आप गौर करें नेक्स्ट यूज क्लोज का, जहाँ पे आप क्लोज प्रेफर करेंगे शट नहीं. क्लोज कैन मीन टू रिड्यूस. क्लोज का मतलब हो सकता है घटाना, कम करना. जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्लोज द गैप, क्लोज द डिस्टेंस, गैप को कम करना, दूरी को कम करना. यहाँ आप शट द डिस्टेंस और शट द गैप नहीं कहेंगे. तो कम करना के सेंस में क्लोज का यूज होता है, ना कि शट का. क्लोज कैन मीन टू ब्रिंग एन एंड टू समथिंग. क्लोज का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को समाप्त करना. एग्जाम्पल देखिए, द एक्सीडेंट क्लोज्ड हिज क्रिकेटिंग करियर. एक्सीडेंट ने उसका क्रिकेटिंग करियर खत्म कर दिया. The accident closed his cricketing career. You cannot use shut here. Okay. Similar examples: close the case, close the matter, close the deal. मतलब bring something to an end. All right. We close letters, we close bank accounts, we close meetings, etc. मतलब we end them. हम उनको खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं. जैसे example देखिए. He always closes his letters very formally. वो हमेशा अपने letters काफ़ी formal तरीके से बंद कर ख़त्म करता है. मतलब मेरा एक दोस्त है ज्ञान प्रकाश, उसने मुझे एक बार लिखा, बहुत काफ़ी करीबी फ्रेंड रहा है, बचपन में साथ रहा है हमारे. बट वंस ही रोट मैसेज टू मी एंड ही एंडेड दिस विद थैंकिंग यू. अब दोस्त एक दूसरे को थैंकिंग यू करके ख़त्म नहीं करते letters और messages. तो he always closes his letters very formally. वो अपने लेटर के आखिर में बहुत फॉर्मल विशेज करता है. जैसे आप फॉर्मली ख़त्म करते हैं तो क्या लिखेंगे, जैसे बेस्ट विशेज, रिगार्ड्स, सिंसियरली योर्स, ऐसे. आई हैवन्ट क्लोज्ड माय बीओआई अकाउंट येट. मैंने अपना बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट अभी तक बंद नहीं किया है. आई हैवन्ट क्लोज्ड माय बीओआई अकाउंट येट. लेट्स क्लोज द मीटिंग नाउ. चलिए अब मीटिंग को ख़त्म करते हैं. तो ख़त्म करने के सेंस में वी नॉर्मली यूज क्लोज, नॉट शट. चलिए एक फन पॉइंट देखते हैं. क्लोज योर माउथ प्लीज, ये कौन बोल रहा है? शट योर माउथ, ये कौन बोल रहा है? दोनों में मुंह बंद करने की बात की जा रही है, लेकिन कौन बोल रहा है? क्लोज योर माउथ प्लीज, हो सकता है एक डेंटिस्ट बोल रहा हो. शट योर माउथ, जब कोई गुस्से में आपको बोलता है मुंह बंद रखो, शट योर माउथ. तो ये एक फन पॉइंट है क्लोज और शट के बीच डिफरेंस के बारे में. आई होप कि इस वीडियो से आप क्लोज और शट को बेहतर समझ पाए हैं. अगर आपको कोई क्वेश्चन और पूछना हो इसके बारे में, और कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में लिखें, हम लोग जवाब देंगे आपको. थैंक यू.